हम हमारे दर्शकों को बता दें कि आरोपी दिनेश कोरानी जो जीवनदीप कॉलोनी अजमेर में निवास करता है, ये लंबे समय से फरार चल रहा था, क्योंकि दिनेश कोरानी ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार लगातार पिछले 1 से 2 सालों तक करता रहा। और उसके बाद में जब लड़की ने शादी के लिए बात की लड़के से, तो उसके बाद में लड़के के परिजन, जो दिनेश कोरानी आरोपी युवक है, उसके परिजन और आरोपी दिनेश कोरानी दोनों ने ही शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद से लड़की काफ़ी परेशान थी। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से MPTV इंडिया के संपर्क में वो लड़की भी थी, जिसने लगातार दिनेश कोरानी के लिए हमको कहा कि पुलिस जो है, कृष्णगंज थाना पुलिस है, वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन उस जांच में कोई असर फिलहाल दिखता नहीं आ रहा है। लेकिन अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी दिनेश कोरानी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको यहाँ बता दें कि आरोपी दिनेश कोरानी जो है, उसने कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है और पुलिस ने, कृष्णगंज थाना पुलिस जो थी, उसको शक ये था कि दिनेश कोरानी विदेश भाग सकता है, जिसके चलते दिनेश कोरानी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। और उसी के बाद पुलिस को अब एक सफलता मिली है। जब लुकआउट नोटिस जारी किया गया तो दिनेश कोरानी को ये समझ में आ गया कि अब वो ज़्यादा दिन तक भाग नहीं सकता है, फरार नहीं रह सकता, और उसी के चलते उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अजय नगर निवासी पीड़िता ने एक प्रकरण मई 2019 में दर्ज कराया था कि दिनेश कोरानी पुत्र धर्मदास कोरानी ने मेरे को शादी का झांसा देके मेरे से लगातार मेरा यौन शोषण किया और अब उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। उसने ये भी बताया था कि उक्त व्यक्ति जो है वो विदेश भागने की तैयारी कर रहा है, तो इस पर हमने उसका लुकआउट कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया था, जिससे वो विदेश नहीं भाग पाया। और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के चौतरफा दबाव के चलते उसने आज न्यायालय में समर्पण किया, जिसको हमने 2 दिन के पुलिस अभिरक्षा में हमने प्राप्त किया है। उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उससे मुकदमे में तफ्तीश की जा रही है।